जी ने बयान दिया है और कहा है कि बाबा की पोती बीजेपी में शामिल हुई हैं। नागौर की ज्योति आज भाजपा में हुई शामिल। सवाई सिंह चौधरी का भी अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस में नेता और नेतृत्व की कमी है। राजस्थान में महिला चित्कार मार रही है। ये तमाम बातें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कही। मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सीपी जोशी साहब। ज्योति मिर्धा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, सवाई सिंह चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुए, क्या कहेंगे? देखिए, सिलसिला चल रहा है। उधर कांग्रेस में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, घुटन महसूस हो रही थी। कांग्रेस में न तो नेतृत्व है, न नेता है, न नीति है। उन सबको छोड़ते हुए जहां एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, यहाँ की अच्छी नीतियाँ भी हैं, तो ये सारी माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व को देखते हुए आज ज्योति मिर्धा जी ने, सवाई सिंह जी ने, दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। और आप देख रहे होंगे पिछले लंबे समय से अनेक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए, क्योंकि डूबते हुए जहाज में कोई बैठना नहीं चाहता और उनको लगता है कि यही एक पार्टी है जो कहती है वो करती है। गरीब कल्याण से लेकर किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और देश की उन्नति और समृद्धि के लिए अगर किसी ने काम किया है, जो 60 साल में काम नहीं हो पाया, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में हुआ है। और इसी को देखते हुए आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं पार्टी का, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप दोनों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष जी, ज्योति मिर्धा जी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी में अभी नहीं है, बीजेपी के कोर माने जाते हैं, चाहे भंवर सिंह पलाड़ा हो, देव सिंह भाटी हो, क्या उन लोगों को वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने की कोई प्लानिंग चल रही है, उनसे संपर्क में पार्टी? देखिए, ये हमारी पार्टी की अनुशासन समिति इस दिशा में देखती है और वो एक्सरसाइज करके हम लोगों के पास भेजती है, तो उसके बाद। और वहीं ज्योति मिर्धा के बीजेपी ज्वाइन करने पर प्रदेश सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ज्योति मिर्धा के बीजेपी ज्वाइन करने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्योति मिर्धा पार्टी और जनता में एक्टिव नहीं है। साथ ही कहा कि कांग्रेस को किसी अलायंस की जरूरत नहीं है। आप तय कर लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो फ्यूचर बताएगा, लेकिन ये लोग वो है जो एक्टिव नहीं है। एक तो एक नाम होता है जो एक्टिव हो, अब वो किसी भी पार्टी में हो। हनुमान बेनीवाल एक्टिव व्यक्तित्व है कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स से निकलकर दमखम के साथ अपनी पार्टी बनाकर घूमते हैं, लेकिन ज्योति मिर्धा तो कांग्रेस के बैनर पे चुनाव जीती। तो ज्योति मिर्धा जी का फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन मेहनत वैसी नहीं रही। एक व्यक्ति होता है जो मेहनत करता है, अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाता है। राजनीति में सबको राजनीति करने का हक है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में लोग इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़ते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी भी बनाते हैं, खुद की पार्टी भी बनाते हैं। सबको अपनी बात कहने का, किसी भी पार्टी में जाने का हक है, लेकिन राजस्थान जानता है कि वो लोग जिनकी जमीन पर पहचान है, जनता में पहचान है, जिनको यूथ पसंद करे या राजस्थान पसंद करे, या लोग जो लड़ते हो, आंदोलन करते हो, जिन्होंने सड़कों पे अपना खून पसीना बहाया हो, ऐसे लोग कोई पार्टी छोड़कर जाए जिनका नाम हो, तब तो कोई मतलब भी है। अब आप चुनाव के वक्त ही आते हैं, चुनाव के वक्त ही पार्टी बदल लेते हैं, तो ज्यादा असर नहीं पड़ता। दौसा के दौरे पर सचिन पायलट का बीजेपी पर हमला देखने को मिला है। पायलट ने बीजेपी के परिवर्तन यात्रा पर बड़ा हमला बोला है। परिवर्तन यात्रा में भीड़ नहीं आ रही है, यह बात सचिन पायलट की तरफ से कही गई है। पहले भी बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा फेल हुई थी, यह भी उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाई बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का 9 साल का कार्यकाल दिल्ली में लोग देख चुके हैं और वो सवाल जनता का वाजिब है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। नारे दिए, नोटबंदी करी, उद्योग बंद करे, किसानों को आपने परेशान किया, नौजवान आज चिंतित है भविष्य को लेकर। इन तमाम सवालों को प्रियंका जी ने मन से पूछा और लोगों को आह्वान किया कि आप आने वाले भविष्य के निर्णय लिए जाएंगे उसमें ये बात बहुत गंभीरता से सोचनी पड़ेगी कि हमारा भविष्य किसके पास सुरक्षित है। इसलिए पार्टी ने आगाज भी इतने से किया है, सरकार ने 4.5 साल जो काम किया मैनिफेस्टो के आधार पर उसको लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि कार्यकर्ताओं को हम साथ लेकर आगे बढ़ें और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और ये खबर सिरोही से है, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत का सीएम सलाहकारों पर तंज सामने आया है। सिरोही के राम झरोखा मैदान में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और संबोधन के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के सभी सलाहकार भ्रष्ट हैं, जिसके सलाहकार भ्रष्टाचारी हों उनका राजा भी भ्रष्टाचारी होता है। सरकार में मुख्यमंत्री का सलाहकार होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता।
कि जिसके सलाहकार इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जिसके सलाहकार इतने बड़े झूठे हैं, जन राजा ने एड़ा सलाहकार वो राजा कह लो उन्होंने कोई अपेक्षा हो सके तो अनु अशोक तेरी गलती नहीं हो रहा सलाहकार एड़ा उन्होंने राम जी उन्होंने कोई इलाज अपर करने हैं। तो अब की बार मैं आप लोगों को ये चेताने के लिए आया, इतना सब कुछ होता है उसके बाद में भी एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूं। देखो हम सारी चोट सहन कर सकते, हमारे भविष्य पर चोट करो हम सहन कर लेंगे, हमारी जमीनें बिकवाओ शायद हम सहन कर लेंगे, हमको आत्महत्या के लिए मजबूर करो हम सहन कर लेंगे, हमारी माताओं बहनों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ होगी खून का घोट पे करके भी सहन कर लेंगे, लेकिन जो हमारी धर्म और आस्था पर चोट करेगा उसको हम सहन करेंगे? पूछो करेंगे क्या? जिन लोगों ने हमारे धर्म और आस्था पर चोट की हम उसको सहन करेंगे क्या? इस राजस्थान में अपने वोटों को पक्का करने के लिए और अपनी कुर्सी पे बैठे रहने के लिए तुष्टिकरण का नंगा नाच इस राजस्थान की सरकार ने किया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में नेताओं के बयानबाजी भी तेज होती जा रही है, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं ये तमाम बयान। सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दलपत पुरोहित पर बड़ा तंज कसा है और पुरोहित पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में चाटुकारिता के दम पर नेता तो बन गए लेकिन अब जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा नहीं उतरेंगे। बता दें आपको कि संयम लोढ़ा के सबसे करीबी माने जाने वाले दलपत पुरोहित ने हाल ही में जयपुर में बीजेपी ज्वाइन की है और सिरोही के शिवगंज विधानसभा सीट से बीजेपी की तरफ से टिकट की मांग की है। ये उनके बयान से सीधा सीधा ये मालूम पड़ता है कि उनको डर सता रहा है। अब क्या है, उनको ये डर लगने लगा है कि पब्लिक अब जाग गई है और अब ये जो गए साल उनका नाटक था कि निर्दलीय और ये अभी कुछ चलने वाला है नहीं, अब क्या है जनता जागरूक हो गई है और जनता एक ही लक्ष्य लेके चल रही है, जनता ने तय कर दिया है कि भाजपा को जिताना है। तो जैसे जैसे लोढ़ा जी के समर्थक घट रहे हैं वो बौखला रहे हैं और उनको ये चिंता सता रही है कि अब क्या होगा, अब राज जाने वाला है। अब देखो उन्होंने विकास के नाम पे खाली फीते काटे हैं और कुछ किया नहीं है, तो लोगों को सब अब ध्यान पड़ रहा है और लोग सब जागरूक हो रहे हैं और जैसे ही मैंने उनका साथ छोड़ा तो सबको ये पता लगने लग गया कि ये व्यक्ति किसी के साथ रह ही नहीं सकता है, इन्होंने कभी किसी को लंबा समय तक साथ रखा ही नहीं है। तो धीरे धीरे करके सब एक 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 करके खिसक रहे हैं। अभी तो आगे आगे आप देखो जैसे जैसे विधानसभा के इलेक्शन नजीक आएंगे, घोषणाएं हो जाएगी, उसके बाद देखो की पूरी क्यानात इनको छोड़ के हमारे साथ लगने वाली है। बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो अभी दबी आवाज में हमारा समर्थन कर रहे हैं लेकिन जैसे ही ये चुनावी बिगुल बज जाएगा और जैसे ही घोषणाएं हो जाएगी फिर आप देखो कि एक तरफा बीजेपी इस सिरोही विधानसभा सीट पे जीत रही है और विधायक जी को ये डर सता रहा है।